हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का टॉपिक थिंकर लेंगे हम संत थॉमस एक्विनास, जिसे हम मध्ययुग का रस्तु भी कहते हैं। मध्यकालीन 13वीं शताब्दी का ये विद्वान, ये विचारक, जिसने ईसाई धर्म और चर्च की शिक्षा और अरस्तु के दर्शन, इन दोनों के आधार पर अपने चिंतन को स्वरूप प्रदान किया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक्विनास एक ऐसा विचारक है जिसने दर्शन शास्त्र को के आधार पर और भौतिक जगत के आधार पर और अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक या भौतिक और आध्यात्मिक जगत के आधार पर अपने चिंतन को एक स्वरूप प्रदान किया है, इसलिए इसको मध्ययुग का अरस्तु भी कहा जाता है। अरस्तु जो है वो अरस्तु के विचारों से, अरस्तु के चिंतन से एक्विनास काफी हद तक प्रभावित था और उसी के आधार पर उसने अपने दर्शन को एक मूर्त रूप प्रदान करने का एक प्रयास किया है। संदर्भ की प्रासंगिकता के आधार पर अरस्तु भौतिक सुख को स्वीकार करता है एक तरफ, दूसरी तरफ एक्विनास आध्यात्मिक सुख को स्वीकार करता है। अंतिम सुख, व्यक्ति का जो अंतिम लक्ष्य है वो है अध्यात्म का सुख प्राप्त करना या ईश्वर की शक्ति को पहचानना या उसको जानना, ठीक है। जिस इस विद्वान को, एक्विनास को स्कॉलिस्टिक जो एक विचारक के रूप में माना गया है, क्योंकि उसने दर्शन और जो ईसाई चर्च की शिक्षा है और अरस्तु के दर्शन में दोनों में एक सामंजस्य स्थापित किया है, इसको इसे इसलिए इसे स्कॉलेस्टिक विचारक भी कहा गया है, जो स्कॉलेस्टिज्म की बात करते हैं। राज्य के अरस्तु का मानना है कि भौतिक सुख सर्वश्रेष्ठ होता है या सर्वोच्च होता है और एक्विनास आध्यात्मिक सुख को सर्वोच्च मानता है, और इनका मानना है कि जो आध्यात्मिक सुख है या भौतिक सुख है, हम कहें दूसरे शब्दों में, इनको प्राप्त करने के लिए राज्य आवश्यक है। जैसे हम कहें भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए राज्य आवश्यक है, आध्यात्मिक इसी तरह से आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए चर्च आवश्यक है। तो ये चर्च की आवश्यकता, चर्च की शिक्षा, ज्ञान और अध्यात्म या धर्म की शिक्षा अंतिम सुख के लिए, आध्यात्मिक सुख के लिए एक्विनास के अनुसार वो सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च सुख है। दूसरा, अरस्तु का मानना है जो कानून है वो बुद्धि का परिणाम होता है, ठीक है, लेकिन एक्विनास मानते हैं कि जो ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त हैं, जिसमें शाश्वत और दैवीय कानून को वो शामिल करते हैं, उसको वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और इसी आधार पर एक्विनास ने राजनीति और दर्शन इन दोनों का समावेश करके इन दोनों के आधार पर अपने चिंतन को एक स्वरूप प्रदान किया है। राज्य संबंधी विचारों की बात जब हम अगर करें तो अरस्तु का मानना है कि राज्य की जो उत्पत्ति है मध्ययुग में की बात जब हम कर रहे हैं, तो अरस्तु कहता है कि राज्य की उत्पत्ति एक पाप का परिणाम है, है ना। राज्य की उत्पत्ति एक पाप का, मनुष्य के पाप के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई और इस पाप की प्रवृत्ति पर नियंत्रण जो है वो राज्य का आवश्यक है, यानी कि उस पाप से पर नियंत्रण करने की जो कंट्रोल करने का जो एक अपरेटस होगा वो राज्य रूपी संस्था होगी। तो इसलिए राज्य और सरकार का जो कार्य है वो मनुष्य के पाप को प्रवृत्ति पर नियंत्रित करना है, इसलिए राज्य एक ऐसी एक बुराई है, ठीक है। अब एक्विनास जो है वो यूनानी चिंतन के आधार पर राज्य के स्वरूप को एक राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। एक्विनास का मानना है कि उन्होंने इसको यूनानी चिंतन के आधार पर इसका विश्लेषण किया है। एक्विनास का मानना है कि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो स्वभाव से
सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। और उसी के साथ साथ व्यक्ति जो है अपना पूर्ण विकास जो है वो राज्य में करता है। इसी के साथ साथ इसलिए राज्य एक बंधन बंधन नहीं बल्कि एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य प्राकृतिक संस्था है, ठीक है, उसको वो राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। इसी आधार पर उसने कहा है कि जो लेकिन ये यहाँ पर राज्य की जो राजनीतिक सत्ता का जो अंतिम स्रोत है वो है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ईश्वर की जो पावर है वो सबसे अधिक है, तो वो उसकी पावर के आगे और दूसरी कोई पावर नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि देर इज नो पावर बट ऑफ गॉड, ये माना है उन्होंने, देर इज नो पावर बट ऑफ गॉड, इस पावर के आगे और कोई दूसरी शक्ति नहीं है, ठीक है। अरस्तु के समान ये राज्य का जो वर्गीकरण किया है एक्विनास ने, उसने अरस्तु के समान यहाँ भी छह प्रकार ही बताए हैं। और जो निरंकुश राजतंत्र है, जो टायरनी है, वो उसको वो एक राज्य के स्वरूप का एक विकृत रूप मानता है। फिर उसने राजतंत्र की बात की है, राजतंत्र शासन प्रणाली को माना है। और फिर साथ ही उसने कहा है कि एक कुलीन तंत्र होता है, एक मध्यम वर्गीय जनतंत्र होता है, एक सामंत तंत्र होता है और अंत में एक लोकतंत्र होता है। तो उसी तरह से साइकिल जैसे चलती है, उसी चक्र के अनुसार जैसे अरस्तु ने कहा कि एक शासन के बाद दूसरा शासन किस प्रकार से आता है और वो परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, तो इसी तरह से राज्य के वर्गीकरण में छह प्रकार जो है अरस्तु सॉरी एक्विनास ने बताए हैं। क्योंकि अरस्तु का समर्थन करते हुए उनका मानना है कि जो राज्य है वो सामान्य हित पर आधारित होते हैं, या हम कहें कि राज्य का जो स्वरूप है वो सामान्य हित पर आधारित होता है। इसी के साथ साथ अरस्तु सॉरी एक्विनास ने कानून के स्वरूप को या कानून की प्रक्रिया को किस तरह से राज्य में आवश्यक है और कानून का क्या स्वरूप हो सकता है, कानून के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, उसके लिए एक्विनास ने चार प्रकार के जो कानून हैं वो बताए। पहला एक है शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैविक कानून, दैवीय कानून, ठीक है। अब एक्विनास ने जो अध्ययन किया है अपने चिंतन में, उसका प्राचीन समय में कानून और न्याय के संदर्भ में कोई बहुत अधिक स्पष्ट जो विचारधारा थी वो नहीं थी, इसलिए एक्विनास ने ये माना कि कानून जो है वो विवेक पर आधारित होते हैं। कानून जो है वो विवेक पर आधारित होते हैं और लोक कल्याण के लिए होते हैं, लोक कल्याण या जन कल्याण, ठीक है। अब इसके लिए क्योंकि एक्विनास ने माना है कि जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है वो उस जिस व्यक्ति ने जो कानून बनाए हैं या जिस व्यक्ति ने जो आदेश जारी किए हैं, जिनको कानून का रूप प्रदान किया गया है, वो विवेक और जन कल्याण पर लोक कल्याण पर आधारित होते हैं। और क्योंकि उस व्यक्ति पर उस या हम कहें उस राजा पर पूरे संपूर्ण राज्य का या उस समुदाय का भार जो है वो होता है, वो उसका संरक्षक होता है। और एक्विनास ने कानून को यहाँ पर सार्वभौमिक माना है क्योंकि वो यूनिवर्सल है। राजा अपनी मर्जी से किसी भी कानून को मनमाने ढंग से बदल नहीं सकता है,
ऐसा नहीं कि उसकी मर्जी आए तो वो किसी भी कानून को बदल दे और किसी भी नए कानून को स्थापित कर दे, तो वो अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता है। वो बुद्धि विवेक पर और जनहित को, जब अगर कानून जनहित की पालना नहीं करता है, अगर कानून जनहित पर प्रतिबंध लगाता है, तो ऐसे कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर क्योंकि एक्विनास ने कानून को की जो का जो मूल स्रोत है वो प्रकृति को माना है, प्राकृतिक कानून को माना है। फिर यहाँ पर कानून जो है न्याय और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार होने चाहिए। यहाँ एक्विनास के अनुसार जो कानून है वो कहीं ना कहीं न्याय और धर्म, इन दोनों के अनुसार कानून की प्रक्रिया जो है वो होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई भी कानून न्याय और धर्म की प्रक्रिया के विरुद्ध है, तो ऐसे कानून को कानून नहीं माना जा सकता। उसे एक्विनास कानून की विकृति मानता है।